મગનું શાક ચોખા અને રસ ડેડલી કોમ્બિનેશન છે ને સો લેટ્સ મેક મૂંગ કી સબ્જી ઉસકે લીએ સબસે પહેલે હમ લોગ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ દેખ લેતે હૈ બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ મેં અનિયન ટમેટો ઓર ગ્રીન ચિલીઝ ચાહીએ ઓર મૂંગ કો પૂરી રાત ભિગો કે રખના હૈ ઓર દૂસરે દિન પાણી દો ગ્લાસ પાણી ડાલ કે ઉસે બોઇલ કર દેના હૈ નોર્મલ કોઈ ભી વેસલ મેં ચલેગા કુકર મેં સિટી લગાને કી જરૂરત નહીં ક્યોંકિ હમેં ઇસકો એકદમ સોફ્ટ નહીં કરના હૈ उसके साथ दूसरे मसाले जो हम लोग कुकिंग के दौरान ही देख लेंगे सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एक छोटी चम्मच जीरा जैसे जीरा क्रैकल होना स्टार्ट हो जाए हम अनियंस डाल देंगे और ग्रीन चिलीज डाल देंगे अनियन और ग्रीन चिली को सॉटे करेंगे जब अनियन पानी छोड़ना शुरू कर दे या ट्रांसपेरेंट होना शुरू कर दे उसके बाद हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे हाफ टेबल स्पून अराउंड जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे जब तक उसकी कच्ची स्मेल चली ना जाए जब जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से सॉटे हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे टमेटोस मैंने एक टमाटर लिया है जिसे फाइनली चॉप किया और अनियन भी एक ही ली थी टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें पकाना है स्टार्टिंग में 1 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है उसके बाद लो फ्लेम करके उसे ढक देना है और फिर उसे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट्स टू 6 मिनट्स अराउंड पकाना है जब तक कि वो पूरे सॉफ्ट ना हो जाए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है उसे हम लोग अच्छे से एक और बार मिक्स करेंगे और फिर मसाले डाल देंगे तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम लोग रेड पेपर डालेंगे लाल मिर्च उसके बाद हल्दी नमक धनिया पाउडर और आपको अगर गरम मसाला या एक्स्ट्रा कोई मसाला डालना हो तो ये बेसिक मसाले ये एसेंशियल होते हैं जो टेस्ट को और एनहेंस कर देंगे ज़्यादा मसाले डालने से टेस्ट स्पॉइल हो जाता है और ऑथेंटिक टेस्ट चला जाता है जैसे ही मसाले भून जाए ऑयल छूट जाए उसमें हम डाल देंगे हमारे बॉईल किए हुए मूंग बॉईल किए हुए मूंग को पानी के साथ ही डाल दें क्योंकि पानी के साथ जब वो पकेंगे पहले हाई फ्लेम पे पकाना है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक और जब जैसे ही पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए तब तक हम उसे पकाएंगे उसके बाद कवर करके हम लोग 5 टू 6 मिनट्स एकदम लो फ्लेम पर पकाएंगे जिसकी वजह से हर स्पाइस का टेस्ट हमें मूंग में भी मिले पानी के बिना अगर आप कुक करोगे तो इतनी मज़ा नहीं आएगी टेस्ट में जितनी पानी के साथ आती है आप जैसे देख सकते हो ग्रेवी स्टाइल मूंग की सब्जी बन चुकी है अब अगर आपको एकदम ड्राई अच्छी लगती है तो ऑलमोस्ट पूरा पानी जब तक कि इवोपरेट ना हो जाए तब तक आपको पकाना है नहीं तो ये स्टेज पे भी आप इसे सर्व कर सकते हमारी मूंग की सब्जी तैयार है इसे आप राइस रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो इजी क्विक एंड इंस्टेंट लंच रेसिपी अगर आप टिफिन बॉक्स में देना चाहो या आप लेट हो चुके हो लंच बनाने में और फिर लंच के लिए खाना चाहो तो भी बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग है इसके साथ आप सलाद वलाड सर्व करें तो आपका होल मील कंप्लीट हो जाएगा अपने स्टाइल से इसे सर्व कर सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें कमेंट सेक्शन में और बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी गुजराती स्टाइल हो या कोई और स्टाइल हो आप कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे